प्रिय छात्रों, एमएस स्टडी पॉइंट में आप लोगों की स्वागत है। आइए आज हम लोग वीडियो के माध्यम से क्लास 10 के कुछ क्वेश्चन आसान तरीके से सीखेंगे। क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन विधि से हल करें, ठीक ना। ये समीकरण, दो समीकरण दिया है, कह रहा है कि इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पहला समीकरण है 2√x + 3√y = 0 दिया है, 3√x - 8√y = 0 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 1 मानेंगे, ये समीकरण 2 मानेंगे, ठीक ना। यानी इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो लिख 2√x + √3y = 0। देखिए यहाँ 2√x + 3√y = 0 है, यहाँ समीकरण 1 है, यहाँ इसी को यहाँ उतार दिए हैं। अभी क्या करेंगे, ये 2√ है तो यहाँ 2√x लिख देंगे, ये 2√x, ये ठीक ना, बराबर 0 है तो 0 लिख देंगे। यहाँ 3√y है तो उधर पलटेंगे तो -3√y = y हो जाएगा, ठीक ना। फिर देखिए यहाँ 2√x है तो x लिख देंगे, ठीक ना, बराबर 0 में से 3√y को घटा लेंगे, ठीक। फिर लिखेंगे x = 0 - 3√y, ठीक ना। यहाँ लिखेंगे 0 - 3√y, यहाँ है ना, तो यहाँ लिखे हैं। उसके बाद से ये 2√ हैं तो बाटा में लिया कि यहाँ 2√ कर देंगे, ये समीकरण 3 लिख देंगे। अब लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर समीकरण 2 ये नो है। यहाँ देखिए समीकरण 2 है, यानी 3√x - 8√y = 0 लिख देंगे। यहाँ 3√x - 8√y = 0। यहाँ 3√ है ना, तो यहाँ 3√ लिख देंगे। x के मान है तो यहाँ x के मान इतना है, यहाँ लिखेंगे 0 - √3y बटा में √2। फिर यहाँ -8√y = 0, 8√y = यहाँ 0 है तो 0 लिखें। फिर गुणा करेंगे, 3√ में 0 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस कर देंगे। यानी 3√ में 0 से गुणा करेंगे तो यहाँ 0 हो गया, यहाँ माइनस है तो माइनस लिख दिए हैं। अब 3√ में 3√ से गुणा करेंगे तो 3 × 9 = 9, 9 के वर्गमूल 3 हो जाएगा, वाई है तो वाई कर देंगे, ठीक ना। यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे। अब 2√ में 8√ से गुणा करेंगे तो 8 × 2 = 16, और 16 के वर्गमूल 4y बराबर है तो बराबर कर देंगे, यहाँ 0 है तो 0 कर देंगे, ठीक ना। अब 4 × 3 = 7 कर देंगे, यानी -7y, और बराबर 0 में से 0 को घटा लेंगे तो -7y बराबर क्या करेंगे, 0 में से 0 घटेगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो y बराबर 0, अब बटा में कितना है, -7 यहाँ लिया कर रख देंगे, भाग देंगे तो y बराबर 0 हो जाएगा, ठीक ना। ये y का मान निकल गया। अब लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 में y का मान रखने पर, समीकरण 3 कौन है, यहाँ समीकरण 3 है, लिखा x = 0 - 3√y और बटा में √2 हैं, ठीक। लिखेंगे फिर 0 - 3√y का मान कितना है, तो y का मान 0 आया है तो 0 रख देंगे, बटा में यहाँ 2√ है तो 2√ कर देंगे, 0 है तो 0, यहाँ माइनस है तो माइनस कर देंगे। 3√ में 0 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 0 हो जाएगा, अब बटा में 2√ है तो 2√ कर देंगे, ठीक।
जीरो में से अगर जीरो हटेगा तो जीरो हो जाएगा और बाटा में ये दो अंडर रूट कर देंगे तो एक्स के मान कितना आएगा, भाग देंगे तो यानी जीरो बाटा दो अंडर रूट में भाग कर रहेंगे तो जीरो हो जाएगा। लिखेंगे अतः एक्स बराबर जीरो वाई बराबर जीरो, यही आंसर हो जाएगा।